नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 और इंडिया के फ्यूचरिस्टिक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एम का के इंजन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने कल ही अपने डिफेंस डिस्कशन में ये बात डिस्कस की थी कि एम का में और तेजस मार्क 2 में कावेरी इंजन अभी नहीं लग सकता है, और हमने आपको रीजनेबल एक्सप्लेनेशन भी बताए थे। तो अगर आप में से जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन हो सकता है कि सेम ही इंजन हो। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि इंडियन एयरफोर्स ये प्लान कर रही है कि तकरीबन 120 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वो इनिशियल स्टेज में एक्वायर करना चाहेगी। वहीं पे तेजस मार्क 2 के तकरीबन 200 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स एक्वायर करने की सोच रही है। तो इनके डेवलपमेंट प्रोसेस को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक करने के लिए और एक नए इंजन के डेवलपमेंट में ज्यादा टाइम लग जाएगा उसको बचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये प्लान कर रही है इन दोनों के लिए एक ही इंजन बनाया जाए, जिसे लेटर स्टेज में अपग्रेड करके एमका पे भी डिप्लॉय कर दिया जाएगा। जैसे कि कोई इंजन अभी मार्क 2 के लिए डेवलप किया जाता है तो उसको लेटर स्टेज में अपग्रेड करके एमका के लिए भी बना दिया जाएगा। आपको बता दूं, मीडियम वेट कैटेगरी फाइटर के थ्रस्ट रिक्वायरमेंट अभी तकरीबन आफ्टर बर्नर स्टेज में जो कि जीई का 414 इंजन दे रहा है वो 98 किलो न्यूटन का है। और वहीं पे एमका के एक इंजन का थ्रस्ट रिक्वायरमेंट आफ्टर बर्निंग स्टेज में 110 किलो न्यूटन का है, जो कि जीई का 414 इंजन जो कि इंडिया स्पेसिफिक है वो देने में सक्षम नहीं है। और इस बारे में इंडिया और यूएस के बीच में बातें भी चल रही थी कि दोनों साथ मिलकर एक ऐसा इंजन डेवलप किया जाए जो एमका को 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट दे सके, और वो भी जीई के 414 इंजन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए बिना, उसके वेट में किसी तरह के इंक्रीज किए बिना। जैसा कि हमने कल ही बताया था आप लोगों को, किसी भी इंजन का कोर बहुत ही मायने रखता है। जैसे कि कावेरी इंजन में DRDO द्वारा डेवलप्ड कंपनी C4 कोर लगाया गया है, तो यहाँ पे भी मेन मुद्दा कोर का ही आ रहा है। तो जी के 414 का ऐसा वर्जन जो अभी आफ्टर बर्नर स्टेज में 98 किलो न्यूटन डेवलप कर रहा है और उसको 110 किलो न्यूटन बनाने के लिए नमका के लिए उसके बेसिक कोर में चेंजेस करने पड़ेंगे। और इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बात की है अमेरिकन ऑफिशियल से, और वो इसे डेवलप करने के लिए राजी भी हो गए हैं, लेकिन जो इसका टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर है वो नहीं करना चाहते हैं। मतलब जो इंजन वो एमका के लिए डेवलप करेंगे उसका वो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर इंडिया को नहीं देंगे। ये तो रही एमका की बात। और जहां तक तेजस मार्क 2 के इंजन G414 की बात है, तो उन सभी इंजन्स को अमेरिकन कंपनी जी इंडिया लाने को तैयार है और उन सबको इंडिया में ही असेंबल करके तेजस मार्क 2 में डिप्लॉय करेंगे वो। आपको बता दूं, अगर अभी इस इंजन पे काम शुरू होता है, एमका के लिए नए इंजन पे काम शुरू होता है जो कि तेजस मार्क 2 और एमका दोनों में लगाए जाएंगे, तो जो तेजस मार्क 2 के जो इनिशियल स्टेज के मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर होंगे, आप लेके चलो तकरीबन 200 में से 80 के करीबन ऐसे फाइटर्स होंगे जिनमें जी का बेसिक 414 इंजन लग के ही आएगा। लेकिन जो नया इंजन डेवलप किया जाएगा वो 2026-27 तक डेवलप हो जाएगा, और जो लेटर स्टेज के मार्क 2 फाइटर्स होंगे उसमें इंडिया द्वारा निर्मित ये नया इंजन लगने की संभावना है। और एमका के भी शुरुआती स्टेज वाले एमका में जी का 414 इंजन ही लग के आएगा, लेकिन लेटर स्टेज वाले एमका में ये जो नया इंजन डेवलप करने का प्लान चल रहा है वो लग के आएगा। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही रिपोर्ट किया था, इंडिया को बहुत सारी कंपनियों ने अप्रोच किया था एमका के इंजन के लिए, और उनमें से है रशियन कंपनी जो डेवलप करती है L41 इंजन। उन्होंने भी ये ऑफर किया था कि हम अपने इंजन को मॉडिफाई करने को तैयार हैं आपके एमका के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और लास्ट वीक हमने रिपोर्ट किया था कि यूके ने भी ऑफर किया है, यूके कंपनी रोल्स रॉयल्स ने भी ये ऑफर किया है कि वो एमका के लिए इंजन डेवलप करना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि वो यूरोफाइटर टाइफून के लिए यूरोजेट इंजन डेवलप करते हैं, तो उसको मॉडिफाई करने को तैयार है एमका के लिए वो। दूसरी तरफ स्नेकमा ने भी, जो अब साफरान है, उन्होंने भी अपना M88 इंजन ऑफर किया था जो राफेल में आजकल लगा हुआ है, वही इंजन ऑफर किया था एमका के लिए कि हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एमका में ये इंजन लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑफर अभी इंडिया के पास हैं इंजन को लेके। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर तेजस प्रोडक्शन में 2025-2026 तक जाने वाला है, और अगर इंजन का काम अभी स्टार्ट होता है तो 2026-27 तक इंजन बन के तैयार हो पाएगा जो कि लेटर स्टेज के लिए यूज किया जा सकेगा। तो ये आज की मेजर डेवलपमेंट आ रही है एमका और तेजस मार्क 2 के इंजन को लेके कि दोनों फाइटर्स में सेम ही इंजन लगने वाला है, लेकिन एमका में थोड़ा एडवांस किया जाएगा उस प्रीवियस डेवलप्ड इंजन को। तो इस बारे में आप लोगों के क्या ख्याल आते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।